आज बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड सिस्टम के होता है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम और थ्री डायमेंशनल एक्सिस, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई एंड एक्सिस ऑफ जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इतना कंसीडर करते हैं। ऑरिजिन एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ एक्स, वाई एक्सिस और एक्सिस ऑफ वाई, जेड एक्सिस और एक्सिस ऑफ जेड, एंड पॉइंट मासेज का एक सिस्टम। पार्टिकल ऑफ मास एम वन, पार्टिकल ऑफ मास एम टू एंड सो ऑन, पार्टिकल ऑफ मास mn, m1 मास के लिए ऑरिजिन से पोजिशन वेक्टर r1 वेक्टर, एंड m2 मास के लिए पोजिशन वेक्टर r2 वेक्टर, एंड mn मास के लिए पोजिशन वेक्टर rn वेक्टर। ये रहा सेंटर ऑफ मास जिसके लिए पोजिशन वेक्टर rcm वेक्टर। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट मासेज, m1 m2 डॉट 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 mn and their position vectors r1 vector, r2 vector, dot 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 rn vector, and given each turn of 10 किसी खास शब्द में ऐसा हमने कंसीडर करना है, एंड पोजिशन वेक्टर आरसीएम वेक्टर of the center of mass of the system at that piston. जिस piston पर r1 vector, r2 vector, dot 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 rn vector है, उसी moment of time में सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर आरसीएम वेक्टर। आरसीएम वेक्टर इक्वल्स m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। यह टर्म टोटल मास ऑफ द सिस्टम और यह टर्म
मोमेंट ऑफ मास कहलाता है, मोमेंट ऑफ मास m1 r1 f2 प्लस m2 r2 f2 प्लस .. प्लस mn rn f2 मोमेंट्स ऑफ मासेज m1 कॉमा m2 कॉमा .. mn और m1 प्लस m2 प्लस .. प्लस mn, इसे टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहेंगे। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, .. RN वेक्टर, इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं। RI वेक्टर इक्वल्स XI i कैप प्लस YI j कैप प्लस ZI k कैप। XI YI and ZI यह कोऑर्डिनेट्स है, एट विच ith पार्टिकल ऑफ मास और उस पार्टिकल की पोजिशन वेक्टर आता ही होता है। पोजिशन वेक्टर ऑफ द आयत पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही डिफाइंड हो जाएगा। यह इसे इस प्रकार भी लिखवाएंगे, आरसीएम वेक्टर इक्वल्स समेशन आई इक्वल्स 1 to n mi ri वेक्टर अपॉन समेशन आई इक्वल्स 1 to n mi। I 1 से n तक है, I plus 1, 2, 3 .. n ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स समीशन आई इक्वल्स 1 to n mi xi अपॉन समीशन mi एंड 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स समीशन आई इक्वल्स 1 to n mi yi अपॉन समीशन mi एंड जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स समीशन आई इक्वल्स 1 to n mi zi अपॉन समीशन mi आई इक्वल्स 1 to n यहां भी लगा दीजिए। समीशन mi आई इक्वल्स 1 to n यह चीज टोटल मास ऑफ द सिस्टम है। एक चीज और ध्यान रखें, आरसीएम वेक्टर का कंपोनेंट जो निकल के आया एक्सीएम वाईसीएम एंड जेडसीएम
इसे इस प्रकार जो आप डिफाइंड है RCM bracket equals XCM I cap plus YCM J cap plus ZCM K cap I cap J cap and K cap unit vectors along axis of X, axis of Y and axis of Z. और इस तरीके से आपने समझा सेंटर ऑफ मास। इसके लिए पोजिशन वेक्टर यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करी जाए तो इसे आप लिखेंगे आरसीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स आरसीएम इक्वल्स रूट अंडर एक्स सी एम का स्क्वायर प्लस वाई सी एम का स्क्वायर प्लस जेड सी एम का स्क्वायर। थैंक यू सो मच।